श्री रामकृष्ण कथामृत 99। ठाकुर श्री रामकृष्ण बड़ा बजारना मारवाड़ी भक्त मंदिर में। आजे श्री रामकृष्ण बड़ा बजार में 12 नंबर मलिक स्ट्रीट में पधारवाना छे। मारवाड़ी भक्तों अन्नकोट भर्यो छे, तेना दर्शन करवानुं ठाकुर ने आमंत्रण छे। 2 दिवस पहला श्यामा पूजा थई गई छे। ते दिवसे ठाकुरे दक्षिणेश्वर में भक्तों साथे आनंद कर्यो हतो। तेने बीजे दिवसे वळी भक्तों साथे सिंथी ब्राह्म समाजना उत्सव में गया हता। आजे सोमवार 20 ऑक्टोबर ईस्वीसन 1884 कार्तक सूद एकम। बड़ा बजार में हजी दिवाळीनो आनंद चाली रह्यो छे। आश्रे 3 वागे मास्टर छोटा गोपालनी साथे बड़ा बजार में आवी पहुंचे। ठाकुरे पंचिया लेवानुं कह्युं छे, ते लीधा। ते कागळमां विटेला एक हाथमां छे। मलिक स्ट्रीटमां 2 जणा पहोंचीने जुए छे तो माणसोनो सागर, बळदगाड़ा, घोड़ागाड़ी वगैरह खूब भेगा थया छे। 12 नंबर स्ट्रीट नजीक जईने जोयुं तो ठाकुर गाड़ीमां बैठेला ने गाड़ी आवी शकती नथी। अंदर बाबूराम ने राम चक्रवर्ती छे। गोपाल अने मास्टर ने जोईने ठाकुर हसे छे। ठाकुर गाड़ीमांथी उतर्या, साथे बाबूराम। मास्टर आगळ आगळ रस्तो देखाड़ीने लई जाए छे। मारवाड़ीओने घेर पहोंचीने जुए छे तो नीचेना चोगानमां केवल कापड़नी गांसडीओ पड़ेली छे। वच्चे वच्चे बळदगाड़ीमां माल उपाड़ाय छे। ठाकुर भक्तों साथे उपले माळे गया। मारवाड़ीओए पण आवीने तेमने बीजे माळे एक ओरडामां बेसाड्या। ए ओरडामां माँ कालीनुं एक चित्र छे, ते जोईने ठाकुरे नमीने प्रणाम कर्या। ठाकुर बैठा अने हसमुखे चेहरे भक्तों साथे वातो करे छे। एक मारवाड़ी आवीने ठाकुरनी चरण सेवा करवा लाग्यो। ठाकुर कहे छे, रहेवा दो रहेवा दो, पण वळी कंईक विचारीने कह्युं, वारु जरा पद सेवा करो। एके एक शब्द करुणापूर्ण। मास्टर ने कहे छे, स्कूलनो शू? मास्टर, जी रजा। श्री रामकृष्ण हसीने, काले वळी अधर ने त्यां चंडीनुं गीत छे। मारवाड़ी भक्त घर मालिके एक पंडितजीने ठाकुरनी पासे मोकली दीधा। पंडितजी आवीने ठाकुरने प्रणाम करीने बैठा। पंडितजीनी साथे ईश्वर संबंधी केटलीय वातो थाय छे। अवतार विशे वात थवा लागी। श्री रामकृष्ण, भक्तने माटे अवतार, ज्ञानीने माटे नहीं। पंडितजी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार प्रथम भक्तोना आनंदने माटे आवे अने बीजू दुष्टोना दमनने माटे, परंतु ज्ञानी कामना रहित होय। श्री रामकृष्ण हसीने, पण मारी बधी कामना गई नथी, मने भक्तनी कामना छे। ए वखते पंडितजीनो पुत्र आवीने ठाकुरनी चरण वंदना करीने एक बाजुए बैठो। श्री रामकृष्ण पंडितजीने, वार, पंडितजी भाव कोने कहे अने भक्ति कोने कहे? पंडितजी, ईश्वरनुं चिंतन करी करीने मनोवृत्ति कोमल थई जाय तेनुं नाम भाव। जेम के सूर्य उगे त्यारे बरफ गळी जाय तेम। श्री रामकृष्ण, वारु, पंडितजी प्रेम कोने कहे? पंडितजी हिंदीमां वात करी रह्या छे। ठाकुर पण तेमनी साथे अति मधुर हिंदीमां वातो करी जाय छे। पंडितजीए ठाकुरना प्रश्नना जवाबमां प्रेमनो अर्थ एक प्रकारे समझावी दीधो। श्री रामकृष्ण पंडितजीने, ना, प्रेमनो अर्थ ए नहीं। प्रेमनो अर्थ ईश्वरमां एवो स्नेह के जगत तो भूलाई जाय
પણ પોતાનો દેહ કે જે આટલો બધો પ્રિય છે તે પણ વિસરાઈ જાય। ચૈતન્ય દેવને પ્રેમ થયો હતો। પંડિતજી, જી હા, જેમ પીધેલા માણસને થાય તેમ। શ્રી રામકૃષ્ણ, વાર, કોઈમાં ભક્તિ આવે તો કોઈમાં આવે નહીં, એનું કારણ શું? પંડિતજી, ઈશ્વરમાં વૈમનસ્ય, ઈશ્વરમાં વૈષમ્ય દોષ નથી, એ તો કલ્પતરુ જેવા છે, જે જે માગે તે તે પામે, પણ કલ્પતરુની પાસે જઈને માગવું જોઈએ। પંડિતજી હિન્દીમાં આ બધું બોલી રહ્યા છે, ઠાકુર માસ્ટર તરફ ફરીને એ બધી વાતોનો અર્થ કહી દે છે।